नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। काफी लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार सेना ने अपने पालतू तोते से पीछा छुड़ा लिया और इमरान सरकार गिर गई और विपक्ष की 8 पार्टियों के गठजोड़ ने संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान सरकार का खात्मा कर दिया। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री का आवास छोड़ दिया। इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो इमरान के पार्टी के सभी सदस्य वोटिंग का बहिष्कार कर बाहर चले गए। उसके बाद वोटिंग हुई और आखिरकार 3 साल 6 महीने के इमरान सरकार का खात्मा हो गया और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। इस तरह इमरान खान बड़े बेआबरू होकर रुखसत हुए। उसके बाद 8 पार्टियों के गठबंधन ने अपनी सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया और फिर एक नए युग कहे या नई सरकार का गठन हुआ और इस सरकार के नेता बने शहबाज शरीफ। जब शहबाज शरीफ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे तो उनके मंत्रिमंडल में जगह को लेकर कुछ नामों की पाक मीडिया में खूब चर्चा रही। ये नाम थे पूर्व विदेश राज्य मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता हिना रब्बानी खर की। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शेरी रहमना, मरियम औरंगजेब, आयशा गौस और शाजिया मारी का नाम चर्चा में था और पाक मीडिया की माने तो ये सभी नाम कन्फर्म हुए और सभी शहबाज मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे। जानकारी के लिए बता दें कि शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल के 37 नए मंत्रियों ने शपथ ली, इसमें इन 5 महिलाओं का नाम शामिल। पाकिस्तान में ये महिला मंत्री अपने लुक, अपनी सुंदरता, अपने स्टाइल और इंटेलेक्ट की वजह से काफी नाम कमा रही। तो आज हम इन 5 महिलाओं के बारे में बारी बारी से बताएंगे कि किसकी खूबी क्या है और कौन कितना पावरफुल है। हिना रब्बानी खर विदेश राज्य मंत्री बनी जो अपने स्टाइल, कपड़ों और सुंदरता के लिए जानी जाती। जब मनमोहन सरकार थी तब वो भारत के दौरे पर आई थी, उनके लुक, उनके बैग की खूब चर्चा हुई। इसी तरह शाजिया मरी, शाजिया भी अपने लुक और सुंदरता के लिए पाकिस्तान में खूब चर्चा में है। इसके अलावा शेरी रहमान, मरियम औरंगजेब और आयशा गौस पाशा की भी। ये तीनों पाकिस्तानी महिला लीडर्स अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती। तो आज हम अपनी स्टोरी में बारी बारी से इन 5 महिलाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि कौन क्या है और कब से राजनीति में और अब वो क्या कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर का। हिना रब्बानी खर, जन्म 19 नवंबर 1977, जन्म स्थान मुल्तान पाकिस्तान, नेशनलिटी इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पति का नाम फिरोज गुलजार, बच्चे 3। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार की कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरों को दोबारा मौका दिया गया, इनमें एक नाम है हिना रब्बानी खर का। हिना यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में मंत्री पद संभाल चुकी। वो फरवरी 2011 से मार्च 2013 तक देश की विदेश मंत्री रह चुकी। उस वक्त भी उन्होंने मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। पंजाब के जाट परिवार से ताल्लुक रखने वाली हिना एक राजनीतिक परिवार से आती। उनके पिता गुलाम नूर रब्बानी खर पंजाब के बड़े कद के नेता थे और नेशनल असेंबली के सदस्य भी थे। उनके नाना गुलाम मुस्तफा खर पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा गवर्नर भी रह चुके हैं। साल 2002 के आम चुनाव में नेशनल असेंबली की मुजफ्फरगढ़ 2 सीट से हिना ने पहली बार जीत दर्ज की थी। यहां से पहले उनके पिता भी चुनाव जीतते रहे। पूर्व में हिना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ मैदान में उतर चुकी। ये बात और है कि अब वो PMLN के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है। जिस वक्त हिना को पाकिस्तान की विदेश मंत्री बनाया गया तब भारत के अखबारों में खूब सुर्खियां बटोर, सोशल मीडिया में भी उनके नाम पर काफी कुछ कहा गया। 2011 में वो भारत दौरे पर आई थी, तब वो एक मंत्री से अधिक फैशन आइकॉन के तौर पर देखी गई थी। उस वक्त भारतीय मीडिया में उनके गॉगल्स से लेकर उनके परफ्यूम की खुशबू तक का जिक्र किया गया। उनके ग्लैमरस रूप की चारों तरफ चर्चा हुई थी। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि पाकिस्तान वुमेन पावर में और उनकी बातों को पाकिस्तान में काफी गंभीरता के साथ लिया जाता। खबरों की माने तो आज भी पाकिस्तान में महिलाएं उनके फैशन की कॉपी करती और उनके वार्डरोब की चर्चा खूब होती। इसके साथ ही साथ उनकी सुंदरता पर भी बातें होती।
अब जिस महिला मंत्री के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है शेरी रहमान। शेरी रहमान जन्म 21 दिसंबर 1960, जन्म स्थान कराची पाकिस्तान, राजनीतिक दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनलिटी इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार के कैबिनेट में दूसरी जिस महिला को स्थान मिला उनका नाम है शेरी रहमान। शेरी रहमान पूर्व राजनयिक और विदेश सेवा के बाद राजनीति में एंट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मारी। शेरी रहमान पहली बार 2015 में सीनेट की सदस्य बनी। इनकी काबिलियत की वजह से पार्टी ने इन्हें सीनेट में पार्टी का नेता बना दिया। शेरी अमेरिका में लंबे समय तक राजदूत रही। कराची में जन्मी रहमान ने स्मिथ कॉलेज से बीए किया और ससेक्स विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया। 1988 में उन्होंने हेराल्ड के संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1999 तक पत्रिका के साथ रही। 2002 में वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुनी गई। वो 2008 में फिर से चुनी गई और सूचना मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री गिलानी के मंत्रिमंडल में शामिल हुई। शेरी रहमान अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती। 2009 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और गैर पक्षपात पूर्ण थिंक टैंक जिन्ना इंस्टीट्यूट की स्थापना की। नवंबर 2011 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था और अप्रैल 2013 तक वो बनी रही। 2015 में वो सीनेट के लिए चुनी गई और अब एक बार फिर शेरी रहमान चर्चा में, और चर्चा इस बात के लिए कि शेरी एक बार फिर मंत्री बनी। पाकिस्तान में शेरी रहमान अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती है, जिनके दिमाग की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब हम जिस महिला की चर्चा करेंगे उस महिला का नाम है शाजिया मारी। शाजिया मरी जन्म 8 अक्टूबर 1972, जन्म स्थान कराची पाकिस्तान, पिता अता मोहम्मद मरी, राजनीतिक दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनलिटी इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान। जिस तरह हिना रब्बानी खर के वार्डरोब की चर्चा होती है ठीक उसी तरह शाजिया मरी के भी स्टाइल, लुक और उनके कपड़ों और फैशन की चर्चा होती। ये भी पाकिस्तान में नए लोगों के लिए रोल मॉडल है। हिना रब्बानी खर की तरह पाकिस्तान वुमेन पावर में और उनकी बातों को पाकिस्तान में काफी गंभीरता के साथ लिया जाता है। शाजिया मरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2013 से की, जब उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और नेशनल असेंबली के लिए चुनी गई। वो 2018 के पाकिस्तानी आम चुनाव में एक बार फिर पीपीपी के उम्मीदवार के रूप में नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ी और फिर से जीत हासिल की और अब गठबंधन की सरकार में मंत्री पद मिला, जिसके बाद से इनके नाम की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही। तो अब आप समझ चुके होंगे कि शाजिया मरी कौन है और क्या है इनकी हैसियत। अब जिस महिला की चर्चा हम करेंगे उनका नाम है मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। मरियम औरंगजेब का जन्म ताहिरा औरंगजेब के यहाँ हुआ। औरंगजेब ने रावलपिंडी के सेंट पॉल कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ाई की, इस्लामाबाद के फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की, कायदे आजम विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, किंग्स कॉलेज लंदन से पर्यावरण में मास्टर डिग्री। 2013 में लीड पाकिस्तान की बोर्ड सदस्य। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मरियम औरंगजेब को देश की सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री नियुक्त किया। मरियम औरंगजेब को नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की करीबी माना जाता। मरियम औरंगजेब 2013 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए सुरक्षित सीट से चुनी गई। उनकी मां ताहिरा औरंगजेब भी सांसद। तो अब आप समझ गए होंगे कि मरियम औरंगजेब कौन है। आपने देखा होगा कि इस बीच शहबाज शरीफ के साथ साई की तरह वो रही और पार्टी का बचाव किया। अब जिस महिला की हम बात करेंगे उनका नाम है आयशा गौस पाशा। आयशा गौस पाशा जन्म 3 मार्च 1962, जन्म स्थान लाहौर, नेशनलिटी इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, राजनीतिक दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, शादी हफीजे पाशा। आयशा गौस पाशा एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ है।
जो अगस्त 2018 से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सदस्य है। पहले वो जून से पंजाब की प्रांतीय विधानसभा की सदस्य थी। आयशा ने कराची विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स और अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस की डिग्री हासिल की। 1991 में लीड्स विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी किया। पाकिस्तान में आयशा का नाम विद्वानों की श्रेणी में आता और एक जहीन महिला का खिताब उनके पास, जो एक काबिल और तेज तर्रार महिला और अपने काम अपने मेहनत के बल पर करना चाहती। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में जिन 5 महिला मंत्रियों के नाम की चर्चा हो रही है वो यही कारण, इसी वजह से आज सभी इनके नामों की चर्चा करते हैं।